दर्शकों, आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया की एक और अजीब रहस्य के बारे में, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, अब दुनिया में देखा जाए तो ऐसे कई सारे रहस्य हैं जो कि हर कोई जानना चाहता है, और ये रहस्य आज भी रहस्य बने हुए हैं। इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश भी की गई है, लेकिन आज तक ये रहस्य सुलझे भी नहीं हैं। तो वहीं आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं एक रेगिस्तान के बारे में। जी हाँ, कहा जाता है कि इस रेगिस्तान में सदियों से रहस्यमयी संगीत बज रहा है, और इसका क्या रहस्य है ये हम आज आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दर्शकों, आपको बताते हैं कि मोरक्को के एक रेगिस्तान में एक ऐसी जगह है जहां ज़्यादातर समय संगीत सुनाई देता है। यहां पर कभी अजीब सा ड्रम बजता है, तो कभी वायलिन, तो कभी गिटार, और इसके अलावा ऐसे कई वाद्य यंत्र हैं जिनसे निकलने वाली धुनें सुनाई पड़ती हैं। आपको बता दें कि ये ऐसे रेगिस्तान इलाके हैं जहाँ रहना ही बहुत ही मुश्किल है, तो यहाँ संगीत सुनाई देना किसी अचंभे से कम नहीं है। आपको बता दें कि यहाँ से गुजरने वाले लोगों का मानना है कि शायद यहाँ भूत प्रेत रहते हैं, जो कि आने जाने वाले लोगों को, राहगीरों को डराते हैं, और ऐसा ना जाने कितने दशकों से चला आ रहा है, मगर कभी भी कोई इसकी वजह सामने नहीं आई है और ना ही कोई सही वजह ढूंढ पाया है। आपको बता दें कि 13वीं शताब्दी में जब यात्री मार्को पोलो यहाँ पर पहली बार चीन पहुँचे थे, तो वहाँ के रेगिस्तान इलाकों में ऐसे ही संगीत की धुनें उन्हें सुनाई दी थी। तब उन्होंने अनुमान लगाया था कि ये शायद आत्माएँ हैं जो रेगिस्तान में भटकती रहती हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है दो बिल्कुल अलग अलग जगहों पर एक सी घटनाएं हों, और वह भी इतने समय के अंतराल पर। इतना ही नहीं, इसके बाद रेगिस्तान में इस तरह संगीत सुनाई देने की वजह वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाली। आपको बता दें कि उन्होंने लैब में लंबे समय तक हुए परीक्षणों के बाद पता लगाया कि रेगिस्तान में बने रेत के टीलों के नीचे जब रेत खिसकती है, तो इस दौरान होने वाली वाइब्रेशन से ये संगीत पैदा हो जाता है, और इसके लिए रेत के कणों का आकार भी जिम्मेदार है। वहीं साथ ही आपको ये बता दें, उनका कहना था कि कणों का आकार और रेत के खिसकने की गति उस संगीत जैसी ध्वनि के मुख्य कारक हैं। बताते हैं कि हवा के चलने पर ये सभी प्रक्रियाएं वातावरण में संगीत की ध्वनि के रूप में फैल जाती हैं, और कहीं रेत का घनत्व भी ज़्यादा होता है, जिस कारण हवा के कारण रेत तेजी से खिसकती है, और इन कारणों से अलग अलग संगीत की धुनें सुनाई देने लगती हैं। तो दर्शकों, ये था रेगिस्तान में सुनाई देने वाले संगीत का रहस्य। वही कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पर भूत प्रेत ये संगीत सुनाने की वजह है, तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि शायद कुछ और ही वजह है, और आज तक ये रहस्य बना हुआ है। तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही, अगली बार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ से। प्रांशी की रिपोर्ट।